हम यहाँ करीब 30 दिन से यहीं हैं। हम हमारे घर से 11 तारीख से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ घर से रवानगी ली। हम 13 तारीख को यहाँ आ गए और यहाँ हमने फर्स्ट आके हम ये शाजापुर का बॉर्डर सील किया है और हम यहीं राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और मेन मुद्दा यही है कि हमें सरकारों के थ्रू हम जनता के थ्रू देश के अन्नदाता के थ्रू सरकार से बोलना चाहते हैं कि 3 काले कानून जो इन्होंने बनाए हैं वो इनको रद्द करना होगा। ये कानून किसान विरोधी के साथ साथ देश विरोधी हैं। इस कानून के इस तरह से यदि हमारे देश में कानून बनते जाएंगे संसद में बिना वोटिंग पोल के, बिना विपक्ष के महत्व दिए इस तरह से कानून पास होंगे तो देश के लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या की जा रही है इनके द्वारा। और आज से पहले कभी इस तरह से कानून नहीं तैयार किए गए हैं। अभी बिना वोटिंग पोल से इन्होंने बिना विपक्ष की सहमति से ये जो कानून बनाया है, ऊपर से ये बोल रहे हैं भी हमने ये कानून किसान के हित के लिए बनाया है। यदि इतना ही हित है तो देश के किसान, देश के अन्नदाता यूँ सड़कों पर क्यों बैठेंगे। और आज टिकरी बॉर्डर में और सिंधु बॉर्डर पे करीब 70 के करीब हमारे देश के अन्नदाता शहीद हो गए हैं और हमारे सरकारें हैं जो इन पर ध्यान देने के बजाय इनको आतंकवादी बोल रही हैं। इनके जो मंत्री हैं वो इनको आतंकवादी बोल रहे हैं, टेररिस्ट बोल रहे हैं, जो कि इनकी कहीं ना कहीं खुद की नाकामी की वजह से हो रहा है। और टेररिस्ट बहुत दूर की बात है, ये बोल रहे हैं भी ये मालवीवादी हैं, ये हर तरह के नाम दिए जा रहे हैं इसको, कहीं ना कहीं बोल रहे हैं भी ये विपक्ष कर रहा है और इनकी ये नाकामी बनती जा रही है धीरे 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 धीरे। ये किसानों को समझाने में नाकाम रही है ये सरकार। और यदि इस तरह से ही मतलब सरकार, जनता है, इस तरह से यदि सड़कों पर बैठी रहेगी और ये कानून ऐसे बनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी खतरनाक है, देश के यूथ के लिए भी डेंजर है। ये सत्ता में आए थे बोल बोल के कि हम रोज़गार देंगे देश के यूथ को, देश के जो यूथ है उनको करोड़ों में इन्होंने रोज़गार का वादा किया था, वो करोड़ों में क्या लाखों में भी तब्दील नहीं हुआ है। और इस तरह की बीजेपी सरकार ने आज किसानों ने ही इनको सत्ता में लेके आए हैं और यही किसान इनको विपक्ष में ला के खड़ा कर देंगे।